राउंड टू हेल की ईपीएल सीजन 2 वीडियो आ चुकी है और वो बहुत ही मसालेदार बहुत ही फनी वीडियो है और आज हम करने वाले हैं उसी वीडियो का ब्रेकडाउन कि कौन सा सीन कैसे लिया गया, क्यों लिया गया, कब लिया गया और किस तरीके का म्यूजिक लगाया, कैसे लगाया, क्यों लगाया, पूरी स्क्रिप्ट जो है ए टू जेड पूरी स्क्रिप्ट का हम ब्रेकडाउन करेंगे ताकि आप भी अपनी वीडियोस को उनके तरीके से उनके लेवल पे बना सके इस वीडियो में। ठीक है, चल ला बहनचोद, कैमरा उधर क्यों है तुम्हारा। सबसे पहली चीज देखो, पूरी वीडियो जायन सैफी ने ही एडिट कर रखी है जो राउंड टू हेल के मेन कैरेक्टर्स में से एक है। अब देखो, काफी लोगों को लगता है कि बड़े बड़े क्रिएटर्स जो एडिटर हायर कर लेते होंगे तो वो अच्छी एडिटिंग करवा लेते हैं। यहाँ पे देखो, बंदे ने खुद ही एडिटिंग करी हुई है, खुद ही शूट में भी काम करता है, खुद ही स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, सब कुछ ये खुद ही करते हैं। सारा काम ए टू जेड यूट्यूब पे अगर आपको आना है तो खुद ही सीखना पड़ेगा। पूरी वीडियो सोनी के FX3 कैमरा और 50mm 1.8 लेंस के साथ बनाई गई है। जहां तक मेरा आइडिया है, 99% सारे शॉट्स उसी कैमरा उसी लेंस के साथ लिए गए और पूरी वीडियो के अंदर ND फिल्टर का यूज किया गया है, जिसकी वजह से इतनी धूप में भी इतनी क्लियर वीडियो ये बना पा रहे हैं। अगर आपको ND फिल्टर क्या है नहीं पता तो इससे पिछली वीडियो हमने बनाई है, वो आप जाके देख सकते हैं कि तेज धूप में शूट कैसे करें। देखो, ऐसा नहीं होता कि स्क्रिप्ट लिख दी और सारा काम हो गया। स्क्रिप्ट को हमें डेवलप करना पड़ता है, स्पेशली जब हमारे 3-4-5 कैरेक्टर्स हम खुद ही कर रहे हैं। एक ही बंदा इसमें देखो ऑडियंस में भी है, बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, अंपायर भी है, सारा कुछ किरदार जो है ये 3 बंदे आपस में रिपीट कर करके कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि स्क्रिप्ट लिख दी और सारा काम इनका हो गया। सबसे ज़रूरी चीज़ आती है जो हमारी, वो है स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरीके की बड़ी बड़ी वीडियोस का। ये पूरी वीडियो हमारी स्टोरी बोर्ड की वजह से ही बन सकती है। बिना स्टोरी बोर्ड के ऐसी वीडियोस बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि स्टोरी बोर्ड बेसिकली डिफाइन करता है कि हमारे कौन से शॉट्स कब हमें लेने हैं और कौन सी चीज़ें हमें पहले करनी है, कौन सी चीज़ें हमें बाद में करनी है। तो वहाँ पे आप बेसिकली स्क्रिप्ट के हिसाब से अगर ऐसा आप करोगे कि पहले सारे अंपायर्स के शॉट ले लिए, फिर बैट्समैन के शॉट ले लिए, फिर बॉलर के लिए, तो उसमें स्क्रिप्ट में अगर आपका लिखा होगा तो उसमें कन्फ्यूज़ होते जाओगे कि कौन सा डायलॉग कहाँ लगाना है। तो वहीं पर स्टोरी बोर्ड आती है बेसिकली, कि तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है बेसिकली वीडियो, कि जो सारे अंपायर्स के सीन है वो सारे ऊपर की तरफ चले गए, पहले वो सारे शूट कर लिए, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग डायलॉग बोल दिए, फिर सारे स्टोरी बोर्ड आ जाती है हमारे, कि जो बॉलर के सीन होंगे बॉलर के सीन हमारे अंपायर के सीन से क्लैश ना करें ताकि दोनों कैरेक्टर एक साथ ना नजर आए। तो ये जो चीज़ें हमारी बेसिकली, ये चीज़ें हमारी स्टोरी बोर्ड में आती है ताकि हमारी वीडियो की कंटिन्यूटी बनी रहे और एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से ओवरलैप ना हो। इंट्रो देखो, काफ़ी लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि 10-10, 15-15 सेकंड के इंट्रोस लगा देते हैं। मैंने आप लोगों में से जितनी भी वीडियोस देखी है लगभग सभी की यही गलती होती है कि लंबे लंबे इंट्रोस बना देते। तो इनका इंट्रो देखो सिर्फ 3 सेकंड के और 4 सेकंड पे इनकी वीडियो शुरू हो जाती है। तो आप लोग भी 10-10, 15-15 सेकंड के इंट्रो लगाना बंद करो, हाथ जोड़ के कहते बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ओपनिंग सीन जो है यहाँ पे कैमरामैन और कोहली के बीच में देखो 180 डिग्री रूल का अच्छे से यूज किया गया है। ये चीजें मैंने बहुत बार वीडियोस में समझा रखी है, जब दो लोगों के बीच की बात होती है वो 180 डिग्री रूल के साथ होती है। कैमरा जो है बेसिकली, ये दो कैरेक्टर्स हैं, अगर ये दो कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं तो कैमरा सिर्फ इस साइड से इधर ही जाएगा, उंगली के पीछे की तरफ नहीं आ जाएगा, कैमरा हमेशा सिर्फ 180 डिग्री पे ही घूमेगा। अब जब तीनों के शॉट्स आने लगे हैं तो देखो स्टार्टिंग में कैसे कैमरा पीछे की तरफ था, जब तीनों की तरफ आ रही है यानी कि जोक्स जब बढ़ते ज़्यादा जा रहे हैं, ज़्यादा जोक्स आ रहे हैं, ज़्यादा इंटेंस हो रहा है सीन, कॉमेडी ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर कैमरा भी जो है क्लोजअप में आ रहा है, यानी कि चेस्ट लेवल तक का कैमरा एंगल हमारा हो गया। ये बेसिकली क्लोजअप शॉट्स होते हैं जो मैंने पहले भी सिखाया हुआ काफ़ी बार, कि क्लोजअप शॉट्स हमारे होते हैं बेसिकली हमारे सीन के अंदर इंटेंसिटी को दिखाने के लिए, चाहे इंटेंसिटी हमारी सीरियस में हो चाहे कॉमेडी में हो। और जो हमारा फिल्म मेकिंग का कोर्स है उसके अंदर भी मैंने ये सारा कुछ सिखा रखा है कि कौन सा शॉट कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, काफ़ी बारीकी में हमने उस फिल्म मेकिंग कोर्स के अंदर सारा कुछ सिखा रखा है। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। So here we have ये जो शूट हो रखा है, देखो शूट बेसिकली सारा 50mm 1.8 से लेके 2.8 के बीच में किया गया है। अब 2.8 तक किया गया तभी देखो ये क्रीमी सा स्मूथ बैकग्राउंड ब्लर आपको देखने को मिलता है। इससे ज़्यादा अगर आप ब्लर करना चाहते हो तो 1.2 1.4 की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि इसमें नहीं यूज हुआ। अब तो हम कौन से एंगल से अंग्रेज लग रहे हैं जो हमें टॉसनो छालने दे रहे हैं वो। यहाँ पे देखो एक चीज है कि ये जो कैमरा इन्होंने यूज किया वो फुल फ्रेम सिनेमा कैमरा है, लेकिन अगर आप लोग किसी बजट कैमरा पे जो 40-50 हज़ार की रेंज का है या फिर किसी क्रॉप सेंसर कैमरा पे आप शूट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 2.8 के अंदर अपर्चर पे इतना ज्यादा ब्लर देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको फुल फ्रेम कैमरा पे देखने को मिलता है। तो वहाँ पे आप 50mm 1.8 लेंस यूज कर सकते हो, जो दी बेस्ट ऑप्शन रहता है हमेशा सभी के लिए, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। 50mm 1.8 लेंस काफ़ी सस्ता भी आता है, सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट लेंस वो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में है, जो आप अपनी वीडियोस को
अच्छा बनाने के लिए ले सकते हो। उसके अंदर ब्लर भी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में क्लैरिटी भी आपको काफी अच्छी उसमें देखने को मिलेगी। अंदाज शॉट और ये छक्का। मोस्टली खेल जो है यहाँ पे देखो सिर्फ एक्टिंग का और स्क्रिप्ट का, और दोनों ही चीज़ें बहुत फनी है। अब ये दोनों चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस का खेल है, ऐसा नहीं कि आप पहली वीडियो बना रहे हो तो बहुत शानदार इन्हीं के तरीके से बना दोगे, नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। और अगर आप इनकी कॉपी करने की ट्राई करोगे तो उसमें भी आप फेल हो जाओगे, क्योंकि जो शूट है देखो शूट बहुत ही सिंपल है। शूट में ऐसी कोई अलग चीज़ नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं है, सिर्फ कैमरा लिया शूट करा अलग अलग एंगल से और बहुत सिंपल काम हो गया। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को इस तरीके की वीडियो बनाने में वो है आपकी एक्टिंग और आपकी स्क्रिप्ट। ये 6:34 पे देखो वीडियो के अंदर बंदे के ऊपर माइक लगा हुआ साफ नज़र आ रहा है जेब के अंदर बाहर निकलता हुआ। तो यहाँ से बेसिकली देखो हर इंसान का अगर चाहे छोटे से छोटा डायलॉग भी है या फिर बड़े से बड़ा डायलॉग भी है, उस इंसान के ऊपर आपको माइक लगाना चाहिए। स्पेशली जब एक इंसान का सिर्फ, जैसे ये सीन था कि चलो चलो आने दे, ये जो भी सीन है इतने से डायलॉग के लिए भी माइक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ऑडियो हर करेक्टर की अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपके दो करेक्टर पास में खड़े होकर बात करें तब आप एक ही इंसान के ऊपर माइक लगा सकते हो और दूसरे इंसान को कह सकते हो कि हल्का सा तेज बोलना है ताकि दोनों की आवाज़ एक ही लेवल की आए। वो भी आप तब करिएगा जब आपके पास बिल्कुल ही टाइम कम हो। अगर आपके पास टाइम है तो दोनों ही करेक्टर के ऊपर एक एक बार करके माइक लगाइएगा। 7:50 पे देखो ये जो वीडियो है, जो रिव्यू वाला सिस्टम है, ये बेसिकली एक टीवी की PNG फोटो लगा दी ग्रीन स्क्रीन वाली और उसमें से ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर दी और उसके ऊपर हमने वीडियो लगा दी जो भी हमें दिखानी है। अब यहाँ पे देखो एजेस जो है ब्लर नज़र आ रही है, यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि जो वीडियो लगा रखी है वो बेसिकली ऊपर से चिपका रखी है और ब्लरी सी एजेस नज़र आ रही है ताकि वो जो एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाए। काफ़ी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली यही गलती करते हैं कि ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हैं जब, तो फैदर बढ़ाते नहीं है जिसकी वजह से वो ना अलग से नज़र आता है कटआउट। तो एजेस को आप भी थोड़ा सा ब्लर कर सकते हैं, यानी कि फैदर को इंक्रीज कर सकते हैं। अब ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करते हैं अगर आपको नहीं आता, सिर्फ 2 वीडियो पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई है कि ठगेश के जैसी वीडियोज़ कैसे बना सकते हैं आप, तो आप वो जाके देख सकते हैं, उसके अंदर पूरा हमने ग्रीन स्क्रीन का ही सिस्टम समझा रखा है। 11:20 पे देखो यहाँ पे ऐड वाला ये जो सिस्टम है, ऐड के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, वही हमारा ग्रीन स्क्रीन को यूज़ कर रखा है। देखो इनकी एजेस भी साफ नज़र आ रही है, परछाई इनकी क्रोमा पे पड़ी, तो जो हाथ और कमर के बीच का ये जो गैप है यहाँ पे देखो कि अलग से ही हमें नज़र आता है कि हाँ ग्रीन स्क्रीन रिमूव करी गई है। एकदम परफेक्ट काम ये नहीं था, लेकिन देखो जुगाड़ है, सब चीज़ हो जाती है, कोई भी इतना परफेक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब इतने बड़े लेवल पे आके ये इस तरीके से छोटी मोटी गलतियाँ इनकी हो जाती हैं तो आप तो अभी फिर भी कर सकते हैं ये गलतियाँ, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सबसे बेस्ट जोक जो मुझे लगा वो है हमारा अरे विराट भाई कौन सा था वे? किसने कैच करवाया? यहाँ पे देखो ये जो फनी सीन है ये बेसिकली हमारा मिस्टर बीन या चार्ली चैपलिन जैसी मूवीज में जो वो यूज करते थे, ये चीज हमारी साइलेंट कॉमेडी कैटेगरी में आती है। बेसिकली बिना डायलॉग बोले वो बंदे को अपने आप फनी बना दिया गया। सिंपल सी चीज थी कि वो मुंह छुपा के बैठा है, इतना फनी नहीं था, तो उस बंदे ने कॉस्ट्यूम ही बदल दी, टीम ही बदल के वो चुपचाप बैठ गया। ये बेसिकली यहाँ होता है कि आप किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो अपनी कॉमेडी, ऐसा नहीं है कि डायलॉग बोलोगे तो ही वो चीज़ फनी लगेगी। 29:48 पे देखो इनसे शॉट लेने में गलती हुई होगी, जिसकी वजह से देखो ये नोट जो है अलग से नज़र आ रहा है। 2 शॉट्स को इन्होंने मिला के इफेक्ट लगा दिया, ब्लर कर दिया ताकि वो ट्रांजिशन जो है चलो चल जाएगा काम। तो यहाँ पे भी देखो ये जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं इसका कोई ऐसे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि वीडियो आपकी ख़राब हो रही है। 40:45 पे देखो केजरीवाल बन के आए। अब इतनी गर्मी के अंदर स्वेटर पहनना मफलर पहनना बहुत मुश्किल का काम होता है। मैं शर्ट के अंदर भी मुझे बाहर गर्मी लग जाती है तो स्वेटर पहनना तो सोचो देखो दूर की बात है। तो यहाँ पे देखो मेहनत जो है मेहनत तो फुल लगती है भैया, मेहनत तो आपको भी करनी ही पड़ेगी। एंड में इन्होंने देखो एक वो ब्लैक स्मोक लगा दिया, बेसिकली ये आपको YouTube गूगल पे मिल जाएगा, जो ब्लैक स्मोक PNG ग्रीन स्क्रीन कुछ इस तरीके से, और आपको मिल जाएंगी। वो सिर्फ ओवरले आपको करनी है, आपकी जो वीडियो है उसके ऊपर आप लगा दो, एक्सपोजर को थोड़ा सा कम कर दो अपनी वीडियो का और ब्लैक स्मोक लगा दो इस तरीके से, तो ये सेम इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो गाड़ी पे बुलेट लगने का इफेक्ट था ये आप PNG भी लगा सकते हो कि बुलेट PNG शॉट इस तरीके से फोटो आपको मिल जाएगी, या फिर वीडियो आप लगा सकते हो ग्रीन स्क्रीन की। इसके ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, राउंड टू हेल के टाइम ट्रैवल वाली वीडियो के जो इफेक्ट्स थे उसके अंदर ये बुलेट वाला सीन भी था एक, और साथ ही साथ में 2-3 और इफेक्ट्स हैं जो ग्रीन स्क्रीन पे कैसे हम लगा सकते हैं अपनी वीडियोस में, वो सब मैंने उस वीडियो में सिखा रखा है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये जो ब्रेकडाउन है इस वीडियो का वो अच्छा लगा हो, आई होप आपको मजा आया हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।